तो क्या आप भी सीएम फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट में अपियर होना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है मैम कि कैसे प्रिपेयर करें कहां से प्रिपेयर करें और कब प्रिपेयर करें करेंटूडेंट so ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए खास रहेगी जिसे समझ नहीं आ रहा है क्या रोड मैप होना चाहिए फॉर द प्रिपेरेशन ऑफ सी एम ए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इन टू वीडियो विच इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी एम ए फाउंडेशन दिसंबर अटेम्प्ट जय श्री श्याम एवरी वन दिस इज योर एडुकेटर्स साक्षी दुआ वेलकम यू टू सी एम ए फाउंडेशन ग्रूमिंग एजुकेशन तो स्टूडेंट्स देयर आर बेसिकली फोर पेपर्स ठीक है हर एक पेपर कॉम्बिनेशन होगा दो सब्जेक्ट्स का जैसे आप देख सकते हैं आपको फोर पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है विच इज इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स लॉ एंड बिजनेस कॉम्युनिकेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्टिंग ओके आपको ये फोर पेपर्स के लिए प्रिपेयर करना है और यहां पर मैं बता दूं ये चारों के चारों पेपर्स हंड्रेड मार्क्स की वेटेज रखते हैं ईच ईच पेपर हंड्रेड मार्क्स मतलब आपके ये चारों के चारों पेपर की अगर मैं टोटल वेटेज की बात करूं तो वो है फोर हंड्रेड मार्क्स ओके एंड आपका हर एक पेपर यहां पर ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है डिस्क्रिप्टिव पेपर कोई भी नहीं है मतलब आपको पूछे जाएंगे एम सी क्यू क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी देयर तो मैम अगर एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन है तो प्रिपेरेशन करना तो बहुत ही ईजी होगा राइट right? क्योंकि उसमें हमें कुछ लर्न नहीं करना लेकिन बेटा ये कहना गलत है कि प्रिपेरेशन करना ईजी होगा बल्कि एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन कहीं से भी उठ जाता है मॉड्यूल की किसी भी लाइन से क्वेश्चन आ सकता है सो so, एमसीक्यू में तो हमें और ज्यादा कॉन्शियस हो जाना चाहिए मैं कहूंगी डिस्क्रिप्टिव पेपर फिर भी इजी होता है बट एमसीक्यू आर क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर सो प्रिपरेशन करो तो बिल्कुल अच्छे से करना क्योंकि एमसीक्यू का मतलब है पेपर कहीं से भी आ सकता है मॉड्यूल की एक एक लाइन को गो थ्रू करना पड़ेगा तभी प्रिपरेशन अच्छी होगी चलिए आगे देखते हैं और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट भी मैं आपको बता दूं कि इन पेपर्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है नो नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग है ना इसका मतलब है आप किसी भी क्वेश्चन को अन मत छोड़ना राइट आप एक गेस्ट करके भी आ सकते हो ऑप्शन ठीक है लेकिन कोशिश तो यही होनी चाहिए ना बेटा कि हमें सारे ऑप्शंस के बारे में पता हो हमें पता हो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है राइट फॉर ऑल द क्वेश्चन यहां पर मैं आपको बताऊं तो फिफ्टी क्वेश्चन होंगे आपके हर एक पेपर में फिफ्टी क्वेश्चन और हंड्रेड मार्क्स का एक पेपर हैरीज योर टू मार्क्स फाइन तो ये तो हो गया पेपर के बारे में राइट right? किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए यह सब मैंने आपको बता दिया यहां पर आपको डिटेल में नोट बनाने की जरूरत नहीं है बिकॉज एमसी क्यूज है शॉर्ट नोट से काम चलेगा कोई दिक्कत नहीं है डिटेल में नोट्स नहीं बनाने चलिए अब मैं आपको बताने वाली क्या करना है एग्जैक्टली exactly, अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए प्लस इनमें बेस्ट टू बेस्ट स्कोर करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट योर स्टडीज देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं अभी देखू तो फाइव मंथ्स अराउंड आर लेफ्ट बेसिकली फाइव टू फाइव पॉइंट फाइव आर लेफ्ट राइट तो बहुत से बच्चे मैंने देखा है जो ये सोच रहे होते हैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ना शुरू कर लेंगे पेपर से दो महीने पहले पढ़ना शुरू कर लेंगे पेपर से तीन महीने पहले पढ़ना शुरू कर लेंगे विच इज़ रॉन्ग आपको ये प्रिपरेशन टाइम दिया क्यों गया है बिकॉज ये प्रिपरेशन टाइम चाहिए आपको अच्छा स्कोर करने के लिए सो so गाइज मेरी एडवाइस आपसे ये है कि आप टाइम को वेस्ट ना कीजिए ये सोच करके पेपर के लास्ट में एक महीने में पढ़ेंगे राइट right? या दो महीने लास्ट के यूटिलाइज करेंगे नो यूटिलाइज योर टाइम फ्रॉम राइट टू डे यस आज इसे अपना टाइम यूटिलाइज करो बेटा फॉर योर स्टडीज ठीक है क्योंकि हमें सिर्फ क्या करना है देखो जब अच्छे मार्क्स स्कोर करने होते हैं ना आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे भी फोकस करना होता है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और अभी मैंने आपको बताया आपको मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़नी है मॉड्यूल में से पढ़ना है मॉड्यूल ही एवरीथिंग है आपके लिए Quran, Bible, को आपको बहुत अच्छे से करना है तभी अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ क्वेश्चन भी करने हैं प्रैक्टिस के लिए राइट right? जनरली हमें क्या लगता है कि हमने चैप्टर्स को गो थ्रू कर लिया बस हो गया चैप्टर इज प्रिपेयर्ड यहीं पे आप गलत हो चैप्टर उस टाइम पे प्रिपेयर हुआ नहीं होता है आपका जब आपको लगता है आपने कंटेंट गो थ्रू कर लिया चैप्टर रीड कर लिया दैट्स ओके okay. नहीं आपको उसके क्वेश्चन पार्ट भी करने होते हैं क्योंकि क्वेश्चन जब करोगे ना तो कुछ चीजें आपको और न्यू उससे रिलेटेड टू द चैप्टर पता लगने वाली है सो क्वेश्चन अपना एक अलग रोल प्ले करता है ठीक है तो क्वेश्चन को भी गो थ्रू करना है उसके बाद आपको क्या करना है क्वेश्चन गो थ्रू करने के बाद लर्निंग वर्क लर्निंग वर्क आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए राइट लर्निंग वर्क के पहले आप क्या कर लें जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर रहे हैं अपने शॉर्ट नोट्स बना लीजिए शॉर्ट नोट्स मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड है शॉर्ट नोट से काम चलेगा बहुत ज्यादा डीपली वे में नोट्स नहीं बनाने हैं ओके सो लर्निंग वर्क करिए उन नोट्स में से ठीक है उसके बाद रिविजन भी करनी है हमें अब जनरली बच्चों को मैं ये देखती हूँ बच्चे बोलते हैं मैम लर्न तो किया था बहुत कुछ लेकिन जब पेपर में गए ना तो ध्यान ही नहीं आया कुछ रिटेन ही नहीं हो पाया माइंड में ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है ऐसी प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आप एक बार चैप्टर कर लेते हो और आप समझते हो कि चैप्टर हो गया जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कम 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 से से गाइस फोर टाइम्स रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर एक चैप्टर की मल्टीपल रिवीजन स्ट्रेटेजी मस्ट बी देयर आपको मेनी टाइम्स रिवीजन करनी है एक चैप्टर की कम से कम फोर टाइम्स उससे ज्यादा जितनी मर्जी करो बहुत अच्छी बात है फोर टाइम्स तो जरूर करनी है ठीक है तभी क्या होगा रिटेंशन पार्ट डेवलप होगी आपकी प्लस टेस्ट देते रहना चाहिए आपको लगता है हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ली हमने क्वेश्चन फॉर अवर एग्जाम्स नहीं नो no, आप तब तक रेडी नहीं हो जब तक आप टेस्ट नहीं देते हो हर एक चैप्टर का क्योंकि टेस्ट देके आपको पता लगेगा अभी भी कहाँ वीकनेस है कौन सी चीजें मुझे इंप्रूव करनी है अभी ताकि मैं बढ़िया से बढ़िया स्कोर करूं राइट right? तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी गाइस पड़ेगी क्लैरिटी करो मॉड्यूल की एक एक लाइन पढ़ो रिसर्च रिसर्च जो मानी है मारो, है मारो साइड साइड बाय ठीक मैंने जनरली देखा है बच्चे ना मॉड्यूल को छोड़कर मॉड्यूल तो करते नहीं है आईसीएमए आए का बाकी जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में अलग अलग पब्लिशर्स की बुक उन सबको देखते रहेंगे कम से कम तीन चार बुक्स में से करते हुए नजर आएंगे मुझे बच्चे अपनी प्रिपेरेशन जो कि बहुत गलत है आपके लिए मॉड्यूल समझो इनफ है मॉड्यूल लेकिन module के एक की लाइन पता होना चाहिए मॉड्यूल इज इनफ कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है और जब भी हम मल्टीपल सोर्सेस से अपनी चीजों को प्रिपेयर करते हैं ना तो गाइस कंफ्यूजन ही होने वाली है कई बार मैं ये भी देखती हूं कि जो बच्चे हैं वो एक यूट्यूब चैनल पर एक टीचर को नहीं देख रहे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर पांच छह टीचर से पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट के लिए जो कि गलत है एक ही टीचर पकड़ो आप जो आपको अच्छा लग रहा है उन्हीं से आप अपनी प्रिपरेशन करो ठीक है क्योंकि कन्फ्यूजन होने के चांसेस होते हैं उतने ज्यादा जितने ज्यादा हम एक सब्जेक्ट के लिए टीचर्स रेफर करते हैं सो मेक श्योर यू हैव वन टीचर यू हैव वन स्टडी मटीरियल विच इज़ मॉड्यूल मॉड्यूल इज इनफ ओके okay. एंड आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है मॉड्यूल की एक एक लाइन गो थ्रू करनी है अगर आपको रिसर्च मारने की नीड है जैसे कोई इंपॉर्टेंट uh, कुछ आपको डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है डिफिकल्ट सेंटेंस लग रहा है रिसर्च मारो राइट right? रिसर्च मारो और फिर उसको ढंग से अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करो जब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं होता है तब तक मॉड्यूल को आप गो थ्रू करते रहो तब तक उस चैप्टर के उस पेज पर उस सेंटेंस पे पढ़े रहो जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप नहीं होता है दूसरा क्वेश्चन करने हैं जो मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो करिए लर्निंग वर्क करिए जो शॉर्ट नोट्स आपने साइड बाय साइड बनाए हैं जब आपने सा क्लैरिटी की है रिविजन करिए फोर टाइम्स एटलीस्ट हर एक चैप्टर की एंड टेस्ट दीजिए ठीक है और अपनी देखिए कि कहां पर मिस्टेक्स हुई हैं ताकि आप उसको इम्प्रूवाइज कर सके ठीक है अब आपके माइंड में आ रहा होगा मैम इतना कुछ इतना कुछ अगर करना है तो मेरा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा रिसर्च माना हमने अभी तक रिसर्च कहीं मारा नहीं है हमें तो बहुत डिफिकल्ट होगा रिसर्च करना राइट right? तो अगर मैं आपको अभी बोलू कि ये सब चीजें हम लोग आपके लिए कर चुके हैं तो सुनिए गाइस ये चीजें आपको करने की नीड नहीं है बिकॉज वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स फॉर यू ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें ताकि आप कम टाइम डिवोट करके हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर सकें हमने अपना कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिसमें आपको ये सब चीजें आपको नहीं करनी पड़ेंगी, हम कराएंगे ओके okay? तो चलिए उस कोर्स के बारे में मैं आपको कुछ ब्रीफ डिटेल्स दे देती हूँ सो लेट मी इंट्रोड्यूस द कोर्स ऑफ ग्रूमिंग एडुकेशन अकेडमी

वो कंटेंट बिल्कुल आईसीएमए मॉड्यूल से लिया हुआ कंटेंट है ठीक है लैंग्वेज में आपको ये लेक्चर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं, जिससे कि आप कंफर्टेबल ये लेक्चर्स को समझ सकें एंड जो भी रिसर्च की नीड थी इन लेक्चर्स को डेवलप करने के लिए वो हमने की है ओके okay? सो so यहाँ पर इन वीडियोस में आपको सब कुछ मिलने वाला है आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस ठीक है चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो चाहे वो एम सी क्यूज हो चाहे वो मैच द फॉलोइंग हो चाहे वो ट्रू फॉल्स हो एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस इन दीज वीडियोज एवरी थिंग इज कवर्ड ओके सो यहां पर आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी इन वीडियोज को देखकर ठीक है कौन सी वीडियो कब आपको देखनी है ये भी हम बताएंगे So, don't worry. Next, normal classes भी conduct होंगी होंगी जिसमें हमारे आपको chapters को एक्सप्लेन करेंगे ठीक है हर एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा डाउट सेशंस होंगे टाइम टू टाइम हम डाउट सेशंस करते रहते हैं कि जो भी आपके डाउट हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स से डायरेक्टली जूम मीटिंग्स में पूछ पाओगे और गाइस बिल्ली में ये क्लासेस हमारी तब तक एंड नहीं होती हैं जब तक आप लोगों के डाउट्स एंड नहीं होते ओके नेक्स्ट रिवीजन सेशंस अब जैसे मैंने आपको बताया था मल्टीपल रिवीजन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो मल्टीपल रिविजंस के लिए हम लोग रिवीजन सेशंस भी कंडक्ट करते हैं Zoom सेशंस ठीक है जिसमें हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको रिवाइज कराएंगे सारे के सारे चैप्टर्स ओके नेक्स्ट टेस्ट भी हम टाइम टू टाइम कंडक्ट करते रहते हैं और गाइस टेस्ट में हम आपको देते हैं मॉड्यूल के क्वेश्चन मॉड्यूल के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन प्लस पोस्टल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन इस बार का प्रीवियस पोस्टल टेस्ट पेपर्स ठीक है एंड एम प्रीवियस एम वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह वहां से हम आपको टेस्ट देते हैं प्लस मॉड्यूल की किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन हम उठाकर जरूर इन टेस्ट में डालते हैं ताकि आपको पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ओके okay, तो हम रेगुलरली टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं प्लस चैट सर्विसेज भी हैं जिससे आप अपने कोई भी क्वेरी है वो रिजॉल्व कर सकते हैं बाय अवर एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स आपको कुछ भी डाउट है आप टीचर से पूछ सकते हैं चैट सर्विस के थ्रू भी डेफिनेटली डाउट सेशंस भी होते हैं बट अगर आप रिटर्न में पूछना चाहते हैं कुछ भी अपना छोटा मोटा डाउट या कुछ भी तो वो आप चैट सर्विसेज के थ्रू आप अपने एक्सपर्ट फैकल्टी से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनसे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं सो आई होप गाइज आपको इस कोर्स के बारे में प्रॉपरली मैंने डिटेल्स बता दी हैं अगर आप इससे ज्यादा और डिटेल्स चाहते हैं देन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आप जाकर वो कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं ओके सो आई होप आपको आज के वीडियो में ये समझ में आया होगा कि व्हाट द कोर्स इज ऑल अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सी एम ए फाउंडेशन दिसंबर सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड अप माई वीडियो फॉर टूडे एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद अनदर यूजफुल कंटेंट टिल देन बाय टेक केयर जय श्री श्याम